ये मम्मी है भैया हमारी, ताली बजाओ हमारी। क्योंकि आज आ रहे हैं सूरत में MBA चाय वाला प्रफुल भाई आ रहे हैं, प्रफुल बिलोरे आ रहे हैं, अपने सूरत में आ रहे हैं, वो भी 3 से 4 साल बाद आ रहे हैं क्योंकि उनकी एक ब्रांच खुली, 2 ब्रांच खुली है। जो आज हम जो ब्रांच में जा रहे हैं वो ब्रांच 4 महीने से खुली हुई, पर है ना उस टाइम में वो दुबई गए थे तो वो आ ना पाए। इस बार आ रहे तो अपने उससे फाइनली मिलेंगे, इस बार मजा आएगा, इंस्पिरेशन से ही मिलने जा रहे, तो आपको भी लेके चलते हैं। पैरों का कांटा बना के मोती है पिरोया है, बस एक मेहनत खुदा को बोल के दे दिल पहुंच गए। मानी से शेक शेट है मेरी मांगे है लिस्टेड, सारी सलाई है शेक, यहाँ पे इलायची चाय ली है, अपने तो बाद में पिएगा। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। प्रभु सर कमिंग इन आफ्टर 10 मिनट्स। हजार से फर्क
थैंक यू। 2 रुपए की पेप्सी। बहुत अच्छी बात है। तो बहुत अच्छा लगा आप लोग आए, हमारा सिटी लाइट एरिया में जैकी भाई का बहुत प्यार मिला, हमें समर्थन मिला। और जैकी भाई की मम्मी मेरी मम्मी है, पप्पू की मम्मी, वो तो उनके लिए जोरदार आप तालियां बजा दो। इसलिए लोग हमारे पे भरोसा विश्वास कर रहे हैं, इसी वजह से हम आगे चल रहे हैं। और अभी तो बस शुरुआत है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि मेरी अंतिम सांस तक मैं रुकूंगा, मेरी अंतिम सांस तक मैं नहीं रुकूंगा, मैं अंतिम सांस तक आप लोगों के लिए काम करूंगा, मैं अंतिम सांस तक इस देश के लिए काम करूंगा। जब मैं मरते दम तक इस देश में भला करके जाऊंगा, ऑन्टरप्रेन्योर क्रिएट करके जाऊंगा। और मुझे पता है ऑलरेडी हजारों लाखों लोग अपना ऑन्टरप्रेन्योरशिप की जर्नी चालू कर चुके हैं, हजारों लाखों लोग अपना सपना जो है वो उसके ऊपर काम करना चालू कर दिए। हर घर से एक स्टार्टअप निकल रहा है, हर घर से एक ऑन्टरप्रेन्योर निकल रहा है, हर आदमी अपनी कहानी बना रहा है, हर आदमी वो सारे सपने पूरे कर रहा है, वो जो एक सपना नहीं और उसका संकल्प बन गया। सपनों को संकल्प बनाकर सिद्धि के साथ जो सफलता प्राप्त हुई उसमें सबसे बड़ा योगदान आज की तारीख में पूरे देश में किसी का होगा तो प्रफुल्ल बिल्लोर है, बीए चावला का। मैं चाय बेचूं, कुछ भी बेचूं, मैं कुछ भी करूं, पर ये मेरी लड़ाई नहीं, हम सब की लड़ाई है। आप जैसे करोड़ों युवा लोगों की लड़ाई है, पूरे देश से, पूरे विदेश से इतने फोन मैसेजेस कॉल आते हैं मुझे, इतना प्यार मिलता है, इतना प्यार कभी एक छोटे से चाय वाले को, एक स्टार्टअप वाले को, एक एंटरप्रेन्योर को इस देश में पहले कभी नहीं मिला। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये सच में देश बदल रहा है। जहाँ जाता हूँ हजारों लोगों की भीड़ आ जाती, सैकड़ों लोग आ जाते प्यार में। तो आप भी अपने सपनों को पूरा कीजिए, अपने माँ बाप के जो मेहनत के पैसे है उसके ऊपर काम कीजिए, आगे बढ़िए। और रिजल्ट 1-2 महीने 4 महीने में नहीं आएगा, वो 2 साल 4 साल 6 साल लग जाएंगे। हमारी थोड़ा समय दीजिए अपने सपनों को, उनको बढ़ने दीजिए। वो बीजो रोपण जो आपने किया है उसको पौधा बनने दीजिए, पौधे को बड़ा पेड़ बनने दीजिए। पेड़ बनेगा तो सदियों तक चलेगा, पौधे तक अगर आप सेटिस्फाई हो जाएंगे तो आज नहीं तो कल अगली बारिश में खत्म हो जाएगा। तो अर्ली सक्सेस और अर्ली फेलियर किसी काम के नहीं है, राइट? यस सर। डू थिंक अबाउट द लॉन्ग टर्म विजन, आज नहीं तो कल 1.5-2 साल 4 साल बाद आप भी अपनी कहानी बना सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा। आप लोग आए, मुझे बहुत अच्छा लगा, आप सबके साथ मैं प्यार से बात कर रहा हूँ, आपके साथ फोटो सेल्फियां करेंगे, हम लोग चाय पियेंगे, राइट? और आप एमबीए चावला के आउटलेट को प्रमोट कीजिए, सिटी लाइट एरिया में अपने दोस्तों को लेके आइए, क्योंकि जितना ज्यादा आउटलेट्स हमारे चलते रहेंगे उतना ज्यादा सांस मेरे अंदर धड़कती रहेगी। ये आउटलेट जितना चलेंगे उतना मैं चलूंगा, और मैं जितना चलूंगा उतना देश को, मैं आपको 100% विश्वास देता हूँ कि मैं देश को आगे, मैं देश को झुकने नहीं दूंगा। और 125 करोड़ लोगों का अपना पहचान पत्र तक सीमित ना रखते हुए 125 करोड़ लोगों को अपनी पहचान दिलाने तक अंतिम सांस तक मैं लड़ूंगा, ये मेरी गारंटी है, मैं राइट हूं। आप लोग मेरे वीडियोस से, मेरी बातों से इंस्पायर होते हो कि नहीं होते? आपको लगता है ना कि मैं कुछ करने के लिए इस प्रदेश में पैदा हूं, मैं राइट हूं? और मैं कर भी रहा हूं ना, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी करिए, जोड़ी बनाइए अपने साथ, 5 से 10 लोगों को आगे लेके जाइए, उनको बेहतर बनाइए, उनको सक्सेसफुल बनाइए, उनको कहिए कि आप भी अपनी कहानी बना सकते, आज नहीं तो कल आपका भी सिक्का चलेगा, आप भी बड़े आदमी बनेंगे, आप भी अपने घर का पहला विदेश ट्रिप लेंगे, आप भी अपने घर का पहला फ्लाइट पकड़ेंगे, आप भी अपना पहला आईफोन खरीदेंगे, आप भी अपना पहला स्टारबक्स का कॉफी पिएंगे, आप पहला अपना एमबीए चाय वाला जैसा खुद का ब्रांड बनाएंगे, आप भी अपना खुद का जॉकी का अंडरवियर खरीदेंगे, आप भी अपना पहला रिबॉक का शूज खरीदेंगे। ये जितनी ब्रांड आपको चकाचौंध में दिखती है कि अमीरों की है, बड़े लोगों की, ऐसा कुछ भी नहीं, ये हम सब की है। और ऐसी ब्रांड पहले हम उपयोग करेंगे, और दूसरी बार में, दूसरे स्टेप में, दूसरे स्तर पे हम ऐसी ब्रांड हमारी खुद की क्रिएट करेंगे ताकि दुनिया वो प्रोडक्ट्स यूज करे। इतना हौसला, इतना प्यार आप मुझे दे रहे हैं, तो मैं ना सो सकता हूँ, ना मैं थक सकता हूँ, ना मैं रुक सकता हूँ, ना मैं झुक सकता हूँ, मैं कंधे से कंधा मिला के देश के करोड़ों युवाओं के सपनों को जिया हूँ, और मैं कभी नहीं रुकूंगा। जिंदगी भर अकेला भी चलूंगा पर चलता रहूंगा, पद पर से पद भ्रष्ट नहीं होगा, मेरी नियत में कोई खोट नहीं है, मेरी सोच बड़ी स्पष्ट है, और इस देश के सपने मेरे सपने हैं, ये देश के 125 करोड़ लोग मेरे भाई और मेरे बहन। ऐसी बात आज के युवाओं के मुंह से निकलना बड़ी मुश्किल की बात होगी, मेरे अंदर से मैं खत्म हो गया, मेरे अंदर से आई मी माई सेल्फ खत्म हो गया, मेरे लिए मेरा प्रदेश, मेरे लोग, मेरे दोस्त, मेरे करोड़ों युवा लोग, और मेरा पूरा पूरा कंट्री, और इवन नॉट जस्ट कंट्री, अक्रॉस द इंडिया हमारे जितने एनआरआई भाई बहन है बैंकॉक, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया, उनके इतने फोन मैसेज आते हैं कि वो खुद भी वापस भारत आना चाहते हैं और अपनी कहानी बनाना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, समय लगाना चाहते हैं,
यार मेरे पास कोई शब्द नहीं है, बहुत बहुत धन्यवाद। यस यस, आपको ऑटोग्राफ भी मिलेगा, सबको सेल्फी भी मिलेगी और हम लोग चाय भी पियेंगे, ठीक है? चलिए, थैंक यू वेरी मच। फटाफट से एमबीए चावला की इस फोटो को अपलोड कर दीजिए, आपके सोशल मीडिया पर टैग कर दीजिए, इंस्टाग्राम पर ऑटोग्राफ भी मैं दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच, देख लीजिए ऑटोग्राफ देना पड़ता है। यार हमें अर्शिल, थैंक यू सर, अर्शिल के लिए तालियां बजा दो। ना तो लोगों को पता चले टीएमपी ब्लॉग्स को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, मजे करो, 1 मिलियन बढ़ा दो भाई। सारी सलाहें छेक छेक खाया ले चुका था कब से, अब हो रही मुश्किल विकसित विकराल हद बवाल, इंसाफ नहीं पाएगा तू संभाल जवाब जब टूटे हर जगह, लेकिन पाए नहीं समझ सवाल। खुद ही मना काम कहीं उठू नहीं, पर जब मैं जमीन पे मैं उड़ू नहीं, ज्यादा कहीं खुलू नहीं, जो कंधे पे तिथि बैठी थी वो खुदड़ी पहले से धुंधा सा।